सारे भाई ने राम राम दोस्तों में प्रदीप संधु भाई। आज हम लोग खटखट टोल पर भाई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है जो उनकी 130वीं जयंती मनाई जा रही है। देखो भाई ये तस्वीर रखी है उनकी, और देखा जाओ तो आज खटखट टोल पर बहुत ज़्यादा संख्या में आसपास के गाँव से किसान पहुँचे हैं। महिलाएँ की संख्या देखो आप बहुत ज़्यादा है, और उस साइड है जो आदमी बैठे हैं उनकी भी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो आइए आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए आज जो भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती मनाई जा रही है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, आसपास के गांव से भारी संख्या में किसान पहुंचे हैं और 130वीं जयंती है जो मनाई जा रही है। आइए बातचीत करते हैं। आज जो 130वीं जयंती मनाई जा रही है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, तो आज किसानों के साथ तो शायद पहली बार ही होगी, इसको लेकर क्या कहोगे? ऐसा है जी, संयुक्त किसान मोर्चे का आह्वान है आज 130वीं जो बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है वो संविधान बचाओ देश बचाओ के रूप में मनाई जा रही है। और जिस तरह से अभी तक आरएसएस और बीजेपी द्वारा मतलब एक चर्चाएं हैं कि ये तो सिर्फ नॉन दलितों का या गैर दलितों का आंदोलन है, इसमें दलितों का कोई लेना देना नहीं है, जबकि इन कानूनों का सबसे ज़्यादा असर जो बेजमीने लोग हैं गरीब लोग हैं उन पर पड़ेगा, और उन्होंने भी इस बात को समझ लिया है और वो आज इस मौके पर सरकार को ये बताना चाहते हैं कि इस जो जिस तरह से संविधान को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, उसका सत्यानाश किया जा रहा है, उस संविधान बचाने की जो लड़ाई किसानों द्वारा जो छेड़ी गई है, इस लड़ाई में अकेला किसान नहीं है, गैर मतलब कृषि जो तबका है चाहे वो दलित है चाहे बैकवर्ड है वो भी इस लड़ाई में शामिल है। हम ये कहना चाहते हैं आज के इस माध्यम से कि ये जो संविधान को जिस तरह से तहस नहस किया जा रहा है, रोजगार को ख़त्म किया जा रहा है, रिजर्वेशन का जो बाबा साहब ने एक प्रावधान उसमें किया था, आज रिजर्वेशन को एक तरह से बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है क्योंकि रिजर्वेशन दो ही जगह मिलती थी, चाहे वो सरकारी संस्था में सरकारी स्कूल में एडमिशन के मौके पे और या सरकारी नौकरी के, ये दोनों ही चीज़ मौजूदा सरकार ख़त्म कर चुकी है, दोनों चीज़ों को निजी हाथों में सौंप चुकी है जहाँ पे रिजर्वेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो रिजर्व जो कैटेगरी है उन पे बड़ा हमला आने वाले दिनों में होगा, इसलिए आज ये जो आह्वान किसान मोर्चा ने किया है इसका बड़ा महत्व है, और आज सभी जातियाँ सभी धर्मों के लोग आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती 130वीं जयंती संविधान बचाओ देश बचाओ के रूप में मना रहे हैं। किसान आंदोलन चल रहा है पिछले 4.5 महीने से, उसको लेकर क्या कहोगे आप? ऐसा है जी, किसान आंदोलन जिस तरह के किसानों ने शांति का परिचय दिया है, बहुत कुछ इस आंदोलन से आज लोगों को सीखने को मिल रहा है। किसी भी तरह की हुड़दंगबाजी ने सरकार ने अपनी तरफ से काफ़ी कोशिशें की आंदोलन को तोड़ने की, आंदोलन को जाट गैर जाट बनाने की, दलित या गैर दलित बनाने की, लेकिन लोगों ने समझ लिया, लोग उस किसी भी तरह के भटकाव में नहीं आए, बड़ी शांति प्रिय ढंग से आंदोलन चल रहा है, और मैं तो ये कहूँगा कि ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई एक तरह से चली हुई है। धन्यवाद। देखो भैया जो आसपास के गाँव से किसान हैं भारी संख्या में पहुँचे हैं, आइए और से भी बातचीत करेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम शिव ग्राम साथी हूँ। कहाँ से आए हैं? मैं यहीं जींद से ही हूँ, गांव मेरा वैसे करसोड़ा, मैं जींद में रहता हूँ। जो आज 130वीं भीमराव डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है 130वीं, उसको लेकर क्या कहोगे आप जो किसानों के साथ खटखट टोल पर मनाने आए हैं? हाँ जी, हम लगातार जब से ये आंदोलन चलिया है जब से लेकर अब तक हम किसान आंदोलन के समर्थन में, ये डॉक्टर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो 130वीं जयंती का आज का प्रोग्राम रखा है, ये यहाँ टोल प्लाजा पर नहीं पूरी दुनिया के अंदर इस तरह के प्रोग्राम है। आज रही हमारे भारत की बात, भारत की तो जन जन तक है आज की ये बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती की आवाज़ है, जो जन जन तक आवाज़ है, लेकिन ये जो मनवादी सरकार है भाजपा और जेजेपी हमारे हरियाणा के अंदर रही केंद्र के अंदर, ये जो मजदूर और किसान विरोधी सरकार है इसकी लगातार यही मंशा रही है कि मजदूर और किसान को दबा के रखना, लेकिन हम बाबा साहेब के संविधान की शपथ लेते हुए बाबा साहेब के नुमाइंदे होते हुए बाबा साहेब के विचारों पर चलते हुए हम ये सरकार को चेताना चाहते हैं कि इस तरह के कानूनों को हम लागू नहीं होने देंगे। जहाँ तक भी हमारी पहलकदमी होगी, हम जहाँ तक भी चल पाएंगे वहाँ तक चलने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। अगर हमारे को और भी इससे अलावा कोई कदम उठाना पड़े तो वो कदम भी उठाने के लिए हम तैयार हैं,
लेकिन हम किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए हर टाइम तक तैयार रहेंगे। हम फिर बार बार से दोबारा से यही अपील करते हैं कि हम किसान और मजदूर एकजुट होकर जो भी आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा हमने वो आंदोलन खड़ा करेंगे। हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब के संविधान के विचारों पर हम चलने वाले हैं, लेकिन जहाँ हम लाठी खाने की ज़रूरत पड़ेगी लाठी खाएँ भी गए, जहाँ मारने की ज़रूरत पड़ेगी लाठी मारे भी गए, लेकिन ये जो मनवादी सरकार है ये मनवादी सरकार को हम मना करके रहेंगे, इसके घुटने टिका कर रहेंगे, यही हमारी प्रेरणा है जी। जैसे आज देश में हालात बने हैं और जो विचारधारा थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की, उसको लेकर क्या कहोगे? क्योंकि आज फर्जी कोरोना के नाम पे बहुत कुछ चल रहा है, लोग लगातार सरकार पे सवाल उठा रहे हैं, और जैसे अभी किसान आंदोलन है पिछले 4.5 महीने से चल रहा है, सरकार पहले बात करती थी बाद में बंद, बातचीत भी बंद हो गई, तो इसको लेकर क्या कहोगे आप जो आज हालात हैं देश में? देखिए, जो सरकार की मंशा है, आज पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई भी कोरोना को साबित कर दे कि ये कोरोना बीमारी महामारी है, एक मामूली ही बीमारी बता रहे हैं इसको, जो MS के डॉक्टर हैं, चंडीगढ़ PGI के डॉक्टर हैं, मामूली बीमारी बता रहे हैं। इस तरह की बीमारी हर साल आती है, खांसी है, जुकाम है, सर्दी है, बुखार है, हर साल आती है इस तरह की। लेकिन इस सरकार ने, ये दूसरी साल में अटैच हो गए हम, जब से लेकर अब तक ये कोरोना का भयभीत बना रखा है लोगों को कि किस जिसके बुखार है, खांसी है, उसको कोरोना पॉजिटिव दिखाओ और उसको बाहर कर दो। ये आंदोलन तोड़ने की मंशा है, ये मजदूर को, किसान को, कमेरे वर्ग को अंदर रखने की मंशा है सरकार की, लेकिन इस तरह की मंशा पर हम विश्वास नहीं करते। हम इसको बार बार यही बात कहते हैं कि कोरोना क्या, कोरोना का बाप भी आ जाए, जब भी हम नए आंदोलन को उल्टा हटने देंगे, नए उठने देंगे, नए हमारी कदम उल्टी जाएगी। अगर हमने जेल में गिरेंगे, जेल में जाने के लिए तैयार, लाठी मारेंगे, लाठी खाने के लिए तैयार, लेकिन कोरोना के नाम पे भयभीत करके अगर ये चाहे कि मजदूर और किसान उल्टा हट जाएगा, उल्टे हटने वाले नहीं हैं हम, क्योंकि ये कोरोना नहीं है। ये कोरोना के नाम पर जो षड्यंत्र रचा जा रहा है आज के टाइम में BJP और RSS को, ये मजदूर को और किसान को दबेल बना करके जो अंग्रेज कर रहे थे जिस तरह, वही नीति अपनाने को जा रही है RSS और BJP। लेकिन ये जो RSS और BJP है, इसकी मंशा पूरी नहीं होने देंगे हम। हम फिर दोबारा यही चेतन दे रहे हैं कि हम ये मंशा पूरी नहीं होने देंगे। जो भी हम कदम उठाना पड़ेगा संविधान के दायरे में रहते हुए, हम उस कदम तक जाएंगे। जी, धन्यवाद। देखो भाइयों, ये अभी खटखट टोल पर ये प्रोग्राम चल रहा है जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है, 130वीं जयंती मनाई जा रही है। ओके दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।